हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। आज देखिए हम कहाँ आए, आज हम आए हैं गंगा विराज अटल घाट घूमने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग आए हैं घूमने के लिए। तो देखिए यहाँ पर सब लोग आए हैं, लोग कलश यात्रा है इसलिए। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कितना लोग आए हुए हैं कलश यात्रा करने के लिए, और हम लोग भी आए हैं इन लोग के साथ साथ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर गेट से सब लोग आ रहे हैं लोग अंदर, और यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है कलश यात्रा में रहती है। और बाकी सब लोग आगे चले गए हैं लोग, और लोग इधर हैं, और देख सकते हैं आप लोग चलते हैं आगे तो दिखाते हैं आप लोग को कितना लोग यहाँ पर आए हुए हैं कलश यात्रा में। और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, यहाँ पर साधु लोग सब आए हैं लोग, और बाकी औरत भी है लोग। कानपुर का अलग ही सिस्टम है कलश यात्रा में, तो आप लोग को दिखाती हूँ आगे। चलिए चलते हैं वीडियो में, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और हमारी लॉन्ग वीडियो शॉर्ट वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो सपोर्ट कीजिए। और कुछ होके तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि मैं अच्छा से अच्छा वीडियो बनाकर आप लोग को दूं। और यहाँ पर देखिए सब औरत लोग हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर कलश यात्रा होता है तो। और बहुत अलग सिस्टम से, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन यहाँ अलग तरीका है इन लोग का कलश यात्रा करने के लिए। तो देख सकते हैं सब लोग सीढ़ी से नीचे उतर कर जा रहे हैं लोग गंगा जी में जल भरने के लिए। तो देख सकते हैं कितना नीचे है ये, बहुत ऊपर से सीढ़ी से नीचे उतर जाता है, बहुत लंबा है सीढ़ी, उतरते उतरते थक जाते हैं लोग चढ़ते चढ़ते। और यहाँ पर देखिए सब लोग आए हैं लोग कलश यात्रा में तो जल भरने के लिए, और बाकी लोग यहाँ पर देख सकते हैं देखने के लिए भी आए हैं लोग, और घूमने के लिए बहुत मस्त बहुत मस्ती करने के लिए भी आए हैं लोग यहाँ पे। और देख सकते हैं कलश यात्रा में कितना लोग आए हुए हैं, यहाँ का देख कर बहुत अच्छा लगता है कलश यात्रा। और यहाँ पर देखिए ये पंडाल सब आए हैं लोग, और इधर बोर्ड लगा हुआ है गंगा।